पलवल के गांव पृथला में अज्ञात वाहन से 23 दिसंबर को एक युवक दुर्घटनाग्रस्त होने से घायल हो गया, जिसके बाद कुछ युवकों ने उसे गुरु नानक अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में गदपुरी चौकी से मामले की छानबीन कर रहे जांच अधिकारी कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना में घायल हुए युवक को गुरु नानक अस्पताल में कुछ युवकों द्वारा भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। जिस समय युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उस समय युवक ने नीले और सफ़ेद रंग की जैकेट पहनी हुई थी और नीले रंग की जीन्स पैंट पहनी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 35 से 38 साल के बीच बताई गई है। युवक ने गले में काले रंग का धागा और पैर में काले रंग का धागा पहना हुआ है। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि युवक की जेब से करीब 810 रुपये बरामद किए गए हैं। जांच अधिकारी कृष्ण कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रवासी इस खबर को देखने के बाद युवक की पहचान का प्रयास करें, जिससे युवक के परिजनों तक इस सूचना को पहुंचाया जा सके। सर्वोदय टीवी परिवार भी आप सभी से अपील करता है कि जितना ज़्यादा हो सके इस खबर को शेयर करें, जिससे युवक की पहचान हो सके और उसके परिजनों तक इस खबर को पहुँचाया जा सके। किसी भी तरह की सूचना मिलने पर आप गदपुरी थाने में कार्यरत जांच अधिकारी कृष्ण कुमार से फ़ोन नंबर 860-730-4505 पर संपर्क कर सकते हैं। आपका एक शेयर इस गंभीर रूप से घायल युवक को अपने परिवार से मिलना सकता है। एक दुर्घटना हुई थी, कब दुर्घटना हुई है और किस तरह के पेशेंट के हालात? ये घटना पृथला के और करते हैं जितना मेरे लिए आंदोलन आदमी का एक्सीडेंट हो गया है और जो उन्होंने अस्पताल में होता है उसका मतलब क्या है, यहाँ पर डॉक्टर साहब से रिपोर्ट उन्होंने लिखा। तो इसमें किसी तरह की शिनाखत की पहचान आप लोगों ने की है? शिनाखत हम अपने व्हाट्सएप डाल रखा है, पुलिस के व्हाट्सएप पर जितने हमारे ग्रुप हैं, अरुणा पुलिस है, पुलिस है, किस तरह के हालात में था जिस समय इसको एडमिट कराया गया, क्या क्या इसके पास से मिला है? ये तो ऐसा है, ये तो कोई रात उपचार में एडमिट कराया गया, हमने सूचना दी सूचना कर दिया। तो कुछ इनके शनाखत के लिए कुछ ऐसा आपके पास एविडेंस था, कुछ मिला इसके पास से? कुछ नहीं सर, कुछ कुछ नहीं मिला। कोई मोबाइल वगैरह, कोई फोटो? मोबाइल नंबर है, कभी ट्राई किया ना? अभी मैंने भी ट्राई किया लेकिन मिले नहीं। अच्छा, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि भाई किस तरीके का हुलिया कैसा है, वो सारी चीज़ बताना चाहेंगे? मैसेज तो ये भी है, लड़का की उम्र 30 साल का पास पास है ना, ठीक है, उसके गले में धागा है और सिर में ज़्यादा है। तो कुछ पता लगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ये पता नहीं। कहाँ से लेके आए इनको? पिछले फ्लाई ओवर पे से लेकर आए। अच्छा, किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ इनका? इसका ऑटो जो है अपने आप को पलट गया, टायर निकल गया और अगला, और ये इस बच्चे इसका एक्सीडेंट हो गया। इसकी जेब में कुछ भी नहीं मिला है जी, ना फोन ना कोई पर्स, दो तीन नंबर मिले, 810 रुपए मिले, 810 रुपए मिले, कुछ खैर ही जाए। ठीक है, और तो कुछ नहीं है भैया? नहीं जी, कुछ नहीं है जी। ठीक है, आपके सामने हालत इसकी सीरियस है, नाक कान से ब्लड आ रहा है, पेशेंट बेहोशी में है। ठीक है भैया, बाकी जो हम पे बन रहा है हम कर रहे हैं इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक। या इसको अगर हो सके तो देख लो, इसका सीट स्कैन करके इसको रेफर कर दो, अगर सीरियस ज़्यादा है तो। वो तो भैया अगर पुलिस वाले आ रहे हैं या तो हम अपने पास एडमिट रखेंगे या फिर इसको सिविल हॉस्पिटल भेज देंगे। नहीं, वो तो भैया हॉस्पिटल बैठा है, कोई आप टेंशन मत लो, हम भी बैठे हैं, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है। जान नहीं नहीं भाई, डेली के आते हैं हमारे पास, ऐसे थोड़ी भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे इसका जो भी है जब तक। ठीक है, या तो सिविल हॉस्पिटल जब पुलिस वाले आ जाते हैं या तो सिविल हॉस्पिटल भेज देते। ठीक है, ठीक है भाई, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।